गांधी का ये मानना है कि वो राज्य की सरकारें भी जो इस प्रकार का मोनेटाइजेशन कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं, वो सब अपने राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि दिस मैन्स पॉलिटिक्स बिगिन्स विद हिपोक्रेसी, इज सस्टेन्ड थ्रू एरोगेंस एंड एंड्स विद कंटेम्प्ट। और आज इसका साक्षात्कार राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया है। स्मृति जी, राहुल गांधी ने कहा कि हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे था एकाधिकार था, उसी तरह एकाधिकार हो चुका, दो तीन लोग हैं देश के उद्योगपति जिनको सारे काम दिए। गुलाम वो है जो आज भी एक खानदान के नीचे राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी से आपने प्रश्नों की झड़ी लगाई होगी, पूछा उनसे कि कांग्रेस के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं वो हिंदुस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। गुलाम वो है जो एक परिवार के आश्रय में देश के संदर्भ में जब देश प्रगति करता है तो उसके बारे में अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करते हैं। 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में आएगा, शायद राहुल जी को ये बात रास नहीं आई। राहुल गांधी का यह भी कहना है